ये जो कॉन्सेप्ट था ये आइडिया था आपके दिमाग में कब आया कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए यार अरविंद बहुत रैंडमली आया था कोई आ, कोई बिग प्लान नहीं था मेरे माइंड में तो मैं एक्चुअली जोमेटो में काम करता था फ्रॉम एन नॉर्ली स्टेज छः साल सात वाला काम किया तो मेरा दो में, में मेरा कोर रोल था कि जोमेटो का इंटरनेशनल मार्केट सेटअप करना तो मैं अराउंड नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स एवरी मार्केट में रहता था प्रोडक्ट कस्टमाइज करते थे फिर टीम बनवाते थे फिर रेवन्यूज करते थे और फिर लॉन्च करते थे तो मैं पोर्चुगल में था लिस्बन में ट्वेंटी फोर्टीन नहीं में अप्रैल में हाँ और उस समय हम काफ़ी बूथ स्ट्रैप थे दो तो ज़्यादा वो सब आई पी ओ नहीं हुआ था तो हमारी मार्केटिंग जो होता था बार्टर्स से होते थे विद क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन मिली रीफूड बोल के विच डज एग्जैक्टली वॉट वी डू जो सरप्लस फूड कलेक्ट करते हैं रेस्टोरेंट से और uh, ज़रूरतमंद लोगों को बांटते हैं एंड ऑनेस्टली तब तक uh, अरविंद मैंने कुछ चाइल्ड नहीं किया था लाइफ में मैं बस करियर पे फोकस था और फोकस ऑन हैविंग अ गुड टाइम बट अर्ली ट्वेंटीज़ में था मिड ट्वेंटीज एक्चुअली बट जब मैंने ये आइडिया सुना मैं सोचा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है यू नो लाइक ये तो रॉकेट साइंस नहीं है बहुत सिंपल है uh, कोई भी कर सकता है तो मैंने जो फाउंडर था वहाँ उनका नाम हंटर था हंटर है तो उनसे थोड़ा समझ लिया कि लाइक like, वॉलंटियर्स को मोटिवेट कैसे करते हैं उनका ऑपरेशन कैसे चलते हैं लोगों को कैसे खाना बांटते हैं तो थोड़ा बेसिक वो प्ले बुक समझ के फिर वापस इंडिया आया और फिर तीन चार लोगों के साथ हमने फ्री टाइम में शुरू कर लिए अपने वीकेंड्स को आपका स्टोरी क्या है आप कैसे जुड़े uh, मैंने एक जगह बिल्कुल अर्ली डेज में पढ़ा रोबिन ओडामे के बारे में okay. और जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो दो चीजें थी एक hmm. तो जीरो फंड्स hmm. तो मुझे लगा जो भी होगा अच्छा ही होगा कुछ hmm. गड़बड़ नहीं हो सकता है फर्स्टली hmm. hmm. और सेकंड की यह हम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं hmm. तो फिलैंथ्रोपी uh, की जनरली सबके दिमाग में इमेज ये होती है कि आपको किसी को हेल्प करना है तो आप अपने बाकी सब करियर ड्रीम्स छोड़ दो आप और कुछ नहीं कर सकते आपको सिर्फ यही करना है तो आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट कि जब भी मेरे को फ्री टाइम होगा मैं जाके हेल्प कर सकता हूँ एंड ऑब्वियसली लाइक यू साइड कि खाना खिलाना तो किसी को जिसको जरूरत है खाना खिलाने में उसका एक अलग ही फ़न होता है mm. तो बस मैं फर्स्ट ड्राइव पे पहुंच गया mm. वहाँ पे मेरे को नील मिल गया एंड so <laughs> <गयार. laughs> <laughs> uh, काफ़ी बात करी कि क्या विजन है क्या थॉट प्रोसेस है एंड mm. बस मुझे काफी पसंद आया वो काम तो ड्राइव पे गया फिर मैंने आई एक्सपेंशन मतलब इंडिया में अलग अलग सिटीज में हमारे चैप्टर सेट करने का काम तो वो 2015 था और वो सब चले जा रहे हैं उसके बाद तो संजीत बहुत हम्बल हो रहे जब उसने एक्सपेंशन ली थी हम उस समय अराउंड दस सिटीज में थे इंडिया में okay. जब तक उसने छोड़ दी एक्सपेंशन और हैंड कर दी सिटीज़ तो उन्होंने एक सिंगल हैंडली एक टीम को बनाया लाइक अराउंड फाइव सिक्स पीपल एकदम लाइक हमारे ट्रूप्स थे mm. जो लिटरीली लाइक वीक डे वीकेंड रात को लाइक like, लोगों को कॉल कॉल करके बोल बता देते थे कि ऐसे कॉन्सेप्ट है आपको करना है या नहीं करना है mm. आपके सिटीज़ या टाउन्स में तो वे वी आर राइट नाउ इज़ टू डू लाइक संचित कमिंग इन टू दी